फाइनली हम अपने कसार देवी डेस्टिनेशन पहुँचे हैं और इसकी जानकारी मैं आपको आगे आगे देती रहूँगी क्योंकि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कसार देवी एक मंदिर है जिसके नाम से ये एक जगह है और नहायत ही खूबसूरत जगह है और इसकी मैं आपको पूरी डिटेलिंग में दिखाऊँगी। और ये जहाँ हम रुके हैं ये है हैमॉक, ये एक प्यारा सा कैफ़े है जो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और ये एवोकाडो का पेड़ है और नहायत ही खूबसूरत घर है जिसमें कि मैं अब आपको अंदर दिखाना चाहूँगी। ये इसकी ओनर की मदर है जिनका नाम है रोहित, और रोहित सचदेवा जो बेसिकली दिल्ली से है। और उसके बाद ये हम लोग देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मतलब पहाड़ों पे तो आप छोटे से छोटी जगह भी देखेंगे और इतनी खूबसूरत होती है कि उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप कहीं पे भी हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो आप ये खूबसूरती को ज़रूर निहारिए क्योंकि मतलब इतना शांति मिल रही है, इतनी भागा दौड़ी जिंदगी की आपाधापी से आप भागते हैं और आप जब सुकून के दो पल आपको मिलते हैं और ये वातावरण मिलता है तो मन इतना शांत होता है, कुछ सोचने का मन नहीं करता, फिर लगता बस फ़ोन बंद कर दिया जाए और बस अपने आप को एक्सप्लोर किया जाए। फ्रंट दिखाती हूँ इस कैफ़े का, देखिए कितना बड़ा एरिया है, कितना खूबसूरत एरिया है। ये इसका फ्रंट है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। एक छोटी से छोटी चीज भी बहुत खूबसूरत है, ये अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग्स है। मैं पेंटिंग्स दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सो ब्यूटीफुल। कुछ प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको छेड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ इस कैफ़े में सब कुछ नेचर को ध्यान में रख के काम किया हुआ है। आज रेंज पूरी नज़र आ रही है क्योंकि आज मौसम साफ़ है, धूप निकली है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रेंज को बहुत अच्छे से और बहुत नज़दीक से देख पा रही हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। बाकी आगे बादल ही बादल है, वो कम नज़र आएगा, पर जो रेंज जितनी भी नज़र आ रही है हिमालय रेंज, ये मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ अपने कैमरे में। इट्स सो ब्यूटीफुल, थोड़ा सा क्लोज करके देख सकते हैं।
यहाँ इंडिया और फॉरेन से टूरिस्ट ट्रैवलर्स आते हैं, यहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और गेम्स इंजॉय करते हैं, बॉनफायर करते हैं और यहाँ से फिर वो आगे ऊपर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। तो ये इनका एक अपना इंजॉयमेंट का तरीका होता है कि वो पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। कसार देवी प्रसिद्ध है मैग्नेटिक फील्ड ध्यान मेडिटेशन के लिए। कसार देवी को पहली बार 1890 के दशक में जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान किया था और अपनी डायरी में अपने अनुभव का उल्लेख किया था। वॉल्टर इवांस विंटे, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन में अग्रणी हैं, जिन्होंने बाद में तिब्बतन बुक ऑफ द डीड का अनुवाद किया, यहाँ तिब्बती बौद्ध लामा 3 दशकों तक रहे। इससे पश्चिमी की ओर से आध्यात्मिक साधकों की एक श्रृंखला शुरू हुई। बाद में इतिहास में हिप्पी आंदोलन के अंतिम चरण पर यह क्षेत्र भी हिप्पी निशान का एक हिस्सा बन गया। क्रंग किरिज बोलचाल के रूप में हिप्पी हिल के नाम से जाना जाने लगा, जो कसार देवी के आगे स्थित है और एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया।